नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, ऋतु हरित की। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है आयुर्वेदिक जिसमें ऋतु हरित की ना आई हो। हर एग्जाम में ऋतु हरित की पूछी गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ऋतु हरित की। हर एग्जाम में पूछा गया है ऋतु हरित की। ऋतु हरित के तात्पर्य क्या होता है कि हरित की, देखिए रसायन में आती है, हरित की मनुष्याणां माते भेदकारिणी कदाचित कुप्यते माता नोदरस्ता हरित की। हरित की वो आयुर्वेद माता के समान उपाधि दी गई है। तो जिस प्रकार माता हमारा ख्याल करती है, पोषण करती है, उस प्रकार हरित की भी हमारे शरीर की समस्त धातुओं का पोषण कर रसायन की तरह कार्य करती है। लेकिन इस हरित की को आचार्यों ने सेवन विधि बताई है कि किस ऋतु के अनुसार हमें किस प्रकार सेवन करना है। तो यह अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि हरित की को हमें किस ऋतु में किसके साथ सेवन करना है। तो हरित की तो देखिए कॉमन है, हरित की तो सब में रहेगी ही रहेगी इन सब में। अब प्लस आपको यह याद रखना है कि हमें किस ऋतु में किसके साथ सेवन, जिसकी मैंने ट्रिक बनाई है कि हे पिपली तुम कितना भी मधुगुण सैंधव को चटा दो फिर भी वह शक्कर ही सौंठेगा। तो उसी में ट्रिक याद हो जाती है। देखिए पहला है पिपली या फिर मधुगुण सैंधव और ये शक्कर और सौंठ, तो छह चीजें हैं। देखिए पहला क्या है, पिपली। तो ये ऋतुओं का क्रम तो हमें याद ही रहता है कि शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, ऋतुओं का यही क्रम रहता है। तो इसी क्रम में ट्रिक से आपको उठा लेना है कि शिशिर में हमें पिपली आ जाएगा, अर्थात शिशिर ऋतु में हमें हरित की का सेवन पिपली के साथ करना है। फिर बसंत में मधु के साथ, नेक्स्ट आ रहा है कितना भी मधु गुड़, फिर मधु, फिर देखिए गुड़ आ रहा है तो ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ, फिर वर्षा ऋतु में सैंधव नमक के साथ को चटा दो फिर भी वह शक्कर ही सोटेगा, शरद में शक्कर के साथ। देखिए सा से शरद और सा से शक्कर, ये भी याद रख सकते हैं हम। और हेमंत में सोंठेगा मतलब सोंठ। तो ये आपको याद रखना है, पिपली मधुगुड़ सैंधव शर्करा सुंठी, इसके साथ ही हमें ऋतु हरित की का सेवन करना है, तभी वह हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, फायदा करती है।